किलो दूध ले लिया है। अब 4 किलो दूध के हिसाब से अब हम 4 मुट्ठी चावल लेंगे। ये देखें, ये एक देसी तरीका है मापने का। ये देखो, एक तरीका और है, आप कोई ऐसी बड़ी कड़छी ले लें और जितने लीटर दूध है उसी हिसाब से आप कड़छी डाल लें। जैसे एक 4 लीटर दूध है तो 4 कड़छी चावल। फिर भी अगर आपको खीर बनाते हुए लगे कि चावल कम है तो आप थोड़े से और डाल सकते हैं। ये माप सेम ही रहता है, मुट्ठी का और कड़छी का बराबर बराबर ही रहता है। अब ये चावल हम किसी में डाल के धो के थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए, ऐसे करके इसको वॉश कर लेंगे। ये पानी निकाल दें और एक दो बार और वॉश कर लें। अब इसको मैंने 3 बार वॉश कर लिया है, 2 बार तो मैंने आपको दिखा दिया, 1 बार मैंने और वॉश किया है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको भिगो के थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़े से फूल जाए। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। 4 लीटर दूध है। चार लीटर दूध इसमें पलट लेंगे इस कढ़ाई में। ये अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। ये थोड़ी सी इलायची है, इसको कूट के इसको अच्छे से कूट लेंगे और दूध में डाल देंगे। ये अब इसके छिलके सेपरेट कर लेंगे। फ्रेश पीसी हुई इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वैसे आप पीसी हुई, पहले से पीसी हुई भी डाल सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है इससे। अब इसको इसमें डाल देंगे। जब आप इलायची पाउडर डालें तो इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें। ये एक टिप है, इससे क्या होता है कि थोड़ा इलायची का फ्लेवर जो भी आप बना रहे हैं उसमें रम जाता है। ये थोड़ा सा घी मैं इसके कोनों पे लगा रही हूं। इससे ये होता है कि ये बहुत ज्यादा उफन के बाहर नहीं आता। आप ट्राई कर सकते हैं ये वाला ट्रिक। ये
इसको 15-20 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से उबल रहा है। इसमें इलायची पाउडर मैं डाल चुकी हूँ, और घी लगाने से थोड़ा सा ये फायदा होता कि ये एकदम से बाहर नहीं आता। ये दूध उबल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ना बहुत बाहर नहीं आ रहा है। थोड़ा खड़े तो रहना पड़ता है सामने, पर फिर भी कम बाहर आता है ये घी लगाने से। इसमें से मैं थोड़ा सा दूध ले लूंगी, और ये मैंने थोड़ा सा केसर रखा हुआ है, ये केसर के अंदर डाल दूंगी। ये चावल भीगा हुआ है, इसको 15-20 मिनट हो गए कि थोड़ा सा भिगोए हुए। अब इसका पानी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी रह भी जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए पानी सारा मैंने निकाल दिया। अब इसमें मैं ये चावल डाल दूंगी, इस उबलते हुए दूध में ये चावल मैं डाल दूंगी, और इसको अच्छे से हिलाएंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं इसको दूध को उबलते हुए, अच्छे से उबला तब मैंने जाके इसमें चावल डाले हैं। अब ये अभी भी ये आधा पौना घंटा और पकेगी, तब जाके ये खीर रेडी होगी। आधा घंटा हो चुका है इस खीर को पकते हुए, 15 मिनट मैंने पहले दूध उबाला था और 15 मिनट इसको चावल को उबलते हुए हो गए हैं। आप देखें ये चावल थोड़े फूल गए हैं, देखें अच्छे से। अब हम इसमें ये जो हमने केसर भिगोया था दूध में, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। केसर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप मत डालें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच बीच में कवर कर दें, जैसे केसर डाला है तो भी कवर कर दें। एक घंटा हो गया है इस खीर को पकते हुए, ये देखें चावल काफी मिक्स हो गया। ये साइड वाली मलाई को मैंने खुरच खुरच के काफी बार, 3-4 बार बीच में मिलाया, ये जो मलाई है साइडों पे। अब हम ये 2 कटोरी चीनी ले लेंगे, क्योंकि 4 किलो दूध है तो 2 कटोरी के करीब हम चीनी ले लेंगे। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको फ्लेवर हो आपका। जब हम चीनी हम एंड में डालते हैं, जब ये गाढ़ी होने लगती है, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये थोड़ी सी पतली होगी और फिर दोबारा ये जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। ये एक ऑथेंटिक तरीका है खीर बनाने का। अब इसमें ये किशमिश और ये कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। अब ये काफी गाढ़ी हो गई है, अब इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी टेस्टी टमटिंग खीर बनके रेडी हुई है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी से बनी है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन खीर बहुत टेस्टी बनती है।